तब उसे पता चलेगा कि उसके उसूल ज्यादा अहम है या उसका बेटा अहम है उसके लिए। किससे डर रही हो? कारा तो घर से, उसने हमला किया था कबीले पर। अर्तुरुल हलब से कामयाब लौटा है, अल अजीज ने उसे जमीन दे दी है। अर्तुरुल ने तो हमारा मंसूबा नाकाम कर दिया। क्या तुम यह समझते हो कि कुर्दोगलो हार मान लेगा? मैं जानता हूं उसे रास्ते से कैसे हटाना है। रुक जाओ, कारा तोइगर को यह जिंदा चाहिए, उठाओ इसे। खुशामदीद कुंदोगतो, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? ये सब तो तुम्हारे बाप का किया धरा है। तुम्हारी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता करत होकर। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें इस हाल में देख के। अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो उसकी जगह तुम्हें सरदार बनना चाहिए, तुम में ये काबिलियत है। कितना अच्छा होगा काई कबीले को तुम जैसा सरदार मिल जाएगा। याद रखना, अगर मैं कभी सरदार बना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उन्हें भेड़ियों के आगे डाल दूंगा। बकवास बंद कर, मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारे कबीले में अर्तुरुल ही एक सरफिरा आदमी है, लेकिन अब अंदाजा हुआ कि पूरा कबीला ही नफरत करता है मुझसे। उसे लेकर आओ। हमजा, तुम्हारे बाप को ये आखिरी मौका दे रहा हूं मैं कुंदोगतो। हमजा जाकर मेरा पैगाम देगा तुम्हारे बाप को, बहुत मोहब्बत के साथ बताएगा उसे कि मैंने तुम्हें कितने प्यार से रखा हुआ है यहाँ। अगर उसने कैदियों को मेरे हवाले ना किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे कबीले को आग लगा दूंगा। मुझसे तुम्हें किसी भी खैर की उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी यहाँ खूब खातर मदारत करूंगा। बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हारा। इनको ले जाके संदान में डाल दो। ऐसा तीर चलाना कि वो सीधा निशाने पर लगे। उसे इस तरह अपना गिरविदा बना लो कि वो किसी के बारे में सोच ही ना सके। हर जगह बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आए। छोड़ दे बाजी, मेरी तरफ देखेगा भी नहीं वो। एतबार करो मुझ पर, तुम सबसे हसीन नजर आओगी, जैसे कोई शहजादी। तुम्हें अपनी इन काली जुल्फों का जादू चला के असीर बनाना है अर्तुरुल को, देखते ही रह जाएंगे सब और अर्तुरुल तुम्हारा हो जाएगा। क्या आप सच कह रही हैं?
बिल्कुल सच कह रही हूं मैं, मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे सारे जहान में गूंजेंगे। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि जब हमारे आबा अजदाद हिजरत करके इस सरजमीन पर आबाद हुए तो एक दरिंदा आ गया। भयानक शक्ल थी उसकी। वो दरिंदा उनकी भेड़ बकरियां खा गया और सारी फसलों को तबाह कर दिया। बहुत परेशान थे सब लोग कि इस दरिंदे से कैसे बचेंगे हम। उस दरिंदे की आवाज सुनकर सब लोग अपने अपने खेमों में जाकर छुप जाते थे ताकि वो दरिंदा नुकसान न पहुंचा दे उन्हें। ऑगस्ट कहता था आएगा, बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। लेकिन वो मसीहा मेरे जैसा नहीं था, मुझसे काफी बहादुर था। और फिर उसने दरिंदे को अपने नेजे और तलवार से मारकर जान छुड़ा दी सबकी। क्या करना है मालूम है ना? मेरी बात याद है ना तुम्हें? अर्तुरुल की तवज्जो हासिल करना है। इब्ने सरदार, अल्लाह की रहमत नाजिल हो आप पर। आपकी वजह से नई वादी में जगह मयसर हो सकी हमें। आप और आपके बहादुर साथियों की जितनी तारीफ की जाए कम है सरदार। अल्लाह हमेशा आपसे राजी रहे, आपका हमी नासिर रहे। आमीन। इश्क की दास्तानें सुनी है तुमने? वही चल रही है हमारे कबीले में। सुना बच्चों तुमने, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बुरे काम से दूर रहना चाहिए। देखा तुमने कितना बुरा अंजाम हुआ उस दरिंदे का। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, ये बात अपने जहन में बिठा लो, ठीक है? तमाम जंगजू तैयार हो जाएं। रक्स करने के लिए तलवारों का, जो हमारे कबीले की रवायात का हिस्सा है।
सुलेमान शाह ने तुम्हें अपने कबीले से बढ़ के जाना है, नमक खिलाया है तुम्हें। बेहतर यह है कि तुम भी पास रखो इस बात का और डोरे डालने की कोशिश मत करो उनके बेटे पर। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अकलमंद हो तुम, इशारा काफी है। अर्तुरुल से दूर रहो। हलीमा, क्या ये खबर सही मिली है मुझे कि तुमने जाने की कोशिश की है दोबारा? आपको बिल्कुल सही खबर मिली है। हमने जाने की कोशिश की थी, हम नहीं चाहते कि आप पे बोझ बने। तुम बोझ नहीं हो किसी पर भी, एक मुआज़्ज़िज़ मेहमान हो हमारी और ये बात सब जानते हैं। अर्तुरुल साहब, हम इस दुनिया के सताए हुए लोग हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई मुसीबत आए। तो मेरे हलब से वापसी का भी इंतजार नहीं कर रही थी तुम, मेरे आने से पहले चली जाती। मजबूरी थी हमारी, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारे ताकुब में है, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा अर्तुगरुल। कौन है वो दुश्मन, क्यों है ताकुब में? आप ये जानने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर होगा। सरदार, हमने एक औरत को पकड़ा है। पहली मरतबा देखा है। दुश्मनों के अलाकार है ये। या अल्लाह, ये कौन आदमी है? ये कौन है? मार दो इसे, जिंदा मत छोड़ना। कौन है ये? सरदार, हमने इसे देगो के पास से पकड़ा, ये खाने में कुछ मिला रही थी। किसने भेजा है तुम्हें? क्या मिला है तुमने खाने में, बताओ। सिलेवियों की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम लेकर आई हूँ मैं। मेरे सरदार, इसे आग में डाल दे, इससे कोई वबा ना फैल जाए। इस औरत को जहर समेत आग में डाल दो, जल्दी। ये गिरजे के पादरी हमसे क्या चाहते हैं? हलब में तुम पर हमला भी हुआ था और आज ये तमाशा खड़ा हो गया। हमें इन मुसीबतों का जल्द कोई सद्देबाप करना होगा। जब से तुम उन कैदियों को छुड़ा कर लाए हो, हम पर मुसीबतें आ रही हैं। कौन है वो आखिर? मामला इतना आसान नहीं है बाबा। हलीमा और उसके वालिद दुश्मन का एक मोहरा भी हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि सलीबियों के हमले की वजह हिजरत हो, जो हम उनके इलाके की तरफ कर रहे हैं। तुम्हें उनसे उगलवाना होगा। हमारे मेहमान जरूर हमसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं और वो राज खतरा भी बन सकता है। फिर भी वो हमारे मेहमान हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। बाबा अर्तुरुल,
बरखुरदार, ये बात याद रखना कि किसी अजनबी की बेटी कभी कबीले के मयार पर पूरी नहीं उतरेगी। और मैं और तुम्हारी मां गोक्षे से तुम्हारी शादी का फैसला कर चुके हैं। तुम्हारे लिए गोक्षे बहुत मुनासिब रहेगी और मुझे भी कोई एतराज नहीं। इंशाल्लाह वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी साबित होगी। हम इस बारे में सुबह नाश्ते पर बात करेंगे। किस चीज से रंजीदा हो अर्तुरुल? वालिदा, बाबा ने कहा है गोक्चे से मेरा रिश्ता तय हो गया है। क्या यह सच है? गोक्चे सरदार की बेटी है, तौर तरीके जानती है। उसके घर वालों को भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो ठीक है, मगर मेरी मर्जी भी तो पूछ लेते। हलीमा का कुछ मालूम नहीं कि कौन है वो, ना ही उसके खानदान के बारे में हम कुछ जानते हैं। वो ताजर कहते हैं खुद को, मगर सच्चाई नहीं पता। और कबीले वाले उनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि वो उनके सरदार के मौजिस मेहमान हैं, मगर उनके माजी के बारे में कोई भी नहीं जानता। जहां तक ताल्लुक तुम्हारे मुस्तकबिल की बेहतरी का है, तो गोक्चे हमारे मयार पे पूरी उतरती है। वालिदा, ये सब कुछ अचानक हुआ है मेरी जिंदगी में। कैसे झूठ बोल लूं मैं खुद से? धोखा नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, उसकी आंखों में भी यही देखा है। हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, कोई और नहीं तो आप तो समझें। Oh.
जाग रहे हैं आप? कुछ देर के लिए आंख लगी थी मेरी, लेकिन अब नींद नहीं आ रही मुझे। अर्थरुल से बात हो गई। हलीमा का बाप अब ठीक हो गया है, उन्हें अपनी राह लेनी चाहिए। सुलेमान, मैंने गोकचे वाली बात बगैर अर्थरुल को बताई ही, लेकिन अर्थरुल किसी और को पसंद करता है। एक जंगजू का दिल अपने कबीले के लिए धड़कता है हमेशा। वो जवान है, जज्बाती है, उसके दिल में तूफान बरपा है। इस उम्र में ये सब कुछ होना नई बात नहीं है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम भी आराम कर लो। मेरे पास एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। सितारा चमकने वाला है तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारा ख्वाब पूरा होने वाला है। सुलेमान शाह ने अर्थरुल को अपना फैसला सुना दिया है तुम्हारी और उसकी शादी का। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ इस बात की खुशी भी है मुझे, और दूसरी तरफ एक अनजाना सा खौफ भी है। खुशी का मौका है, अच्छा सोचना चाहिए तुम्हें इस मौके पर। फैसला हो चुका है, गुंदुक्तू के वापस आते ही सारी रस्में अदा हो जाएंगी। अर्थरुल कहाँ है? आया नहीं अभी तक, अपने खेमे में होगा। कोकचे बेटा, खबर दो उसे, नाश्ते पे इंतजार हो रहा है। अर्थरुल साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ गोकचे। सुलेमान शाह दस्तरखान पर इंतजार कर रहे हैं आपका।
हमारा मुआहिदा हो चुका है। अल अजीज को हम अस्करी ताकत फराहम करेंगे, महसूल भी अदा करेंगे, उसकी दी गई जमीन कबूल है हमें। कल सुबह तुम रवाना हो जाओ, अल अजीज को मेरा सलाम कहना, मेरी तरफ से उसको शुक्रिया भी अदा करना। हम जल्दी उससे मुलाकात के लिए आएंगे। जो हुक्म बाबा। इंशाल्लाह जिस वक्त हम अपनी सरजमीन पे आबाद हो जाएंगे, गोक्षी और तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो गए तुम अर्तुरुल? बाबा मुझे इजाजत दीजिए। जाके पानी पी कर आओ। सरदार से मिलना है मुझे। तुम यहीं ठहरो, मैं बताता हूं। रहमान कौन आया है? हमजा आया है सरदार, आपसे मिलना चाहता है। लेकर आओ उसे। खैरियत होगी इंशाल्लाह। सरदार कारा तोगर ने काफले पर हमला किया। कारतोगर ने हमला किया? ये क्या कह रहे हो तुम हमजा? गोंदोग तू कहाँ है? सिपाही कहाँ है हमारे? वो सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। गुंदोगदू भाई को कारतोगर ने यरगमाल बना लिया। ये कैसे हो सकता है? तुमने कैसे उसे छोड़ दिया बे यारो मददगार? कैसे? तुम्हें क्यों छोड़ दिया उसने? क्या चाहता है वो शैतान कारतोगर हमसे? अर्तुरुल भाई जिन कैदियों को लाए थे उन्हें मांग रहा है वो। कारतोगर ने पैगाम भिजवाया, अगर उसकी बात ना मानी हमने तो वो गुंदोग तू भाई को जान से मार देगा। ये सब तुम्हारा किया था राय, तुम ही उन कैदियों को लेकर आए थे और उन्हीं की वजह से ये अजाब नाजिल हुआ है हम पर। वो मनहूस लड़की ही फसाद की जड़ है। सलजान सलजान इधर आओ, मेरे साथ चलो। आजा रहमान। जी सरदार। तुम अपने आदमियों को भेजो, वो हमारे शहीदों के जनाजे लेकर आए। हमजा के इलाज का बंदोबस्त करो, लेकिन किसी को खबर ना हो। मैं किसी किस्म की चेमागोइयां नहीं चाहता इस बारे में, और मुझे फौरन नुमान चाहिए। जो आपका हुक्म सरदार। अर्तुरुल इजाजत लेकर अंदर नहीं आ सकते थे? ये कैसी गुस्ताखी है? हलीमा, सुलेमान शाह ने बुलाया है तुम्हें, चलो मेरे साथ। हलीमा तुम जल्दी करो। शहजादे सब खैरियत तो है? खैरियत है अफसन, फिक्र न करो। बाबा बाबा। हलीमा बेटी, ये शहजादे को कहां लेकर जा रहे हैं? सुलेमान शाह ने बुलाया है उन्हें। मुझे मालूम था ये सब होगा, आप लोगों को अब तो यकीन आ जाना चाहिए।
अगर गुंदुगदू को कोई नुकसान पहुंचा तो उस लड़की और उसके खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगी मैं। सलजान, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। सरदार की बेटी हो, कुछ तो ख्याल करो अपनी हैसियत का। तुम्हें ये जेब नहीं देता। हुकुम करें सरदार, आपने बुलाया था मुझे। अंदर चलो मेरे साथ। सुबह एक कासिद आया था, उसने ये खबर दी है हमें कि हमारे तजारती काफले पर हमला हुआ है। हमला कारा तोगर ने किया था और वो गुंदुगदू को अपने साथ ले गया है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिससे मैं आपका दुख बांट सकूं। अल्लाह आपको सब्र दे। मैंने तुम्हें हमदर्दी करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया हमने कि कारा तोयगर ने मेरे बेटे के बदले में तुम्हें मांगा है हमसे। मेरा सिर्फ एक सवाल है तुमसे और मुझे उसका सीधा सा जवाब चाहिए। तुम कौन हो आखिर? बिन बुलाए मेहमानों की वजह से मेरे शौहर की जिंदगी खतरे में है। हमारे जवान शहीद कर दिए गए, गुंदुगदू को यरगमाल बना लिया। वो लड़की और उसका बाप कोई बहुत बड़ा राज हमसे छुपा रहे हैं और मैं ये राज उनसे अब हर कीमत पर उगलवा के ही जमूंगी। मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं करोगी। सुलेमान शाह अभी जिंदा है, हल निकाल लेंगे। उन्हीं लोगों की नहुसत की वजह से हमारे सिपाही मारे गए हैं। संभालो इसे जाकर, कहीं ये मुश्किल ना खड़ी कर दे हमारे लिए। जनाब, मुझ पे आपके सवाल का जवाब देना लाजिम है, मगर पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात का यकीन करें कि काई कबीले की मेरी नजर में उतनी ही अहमियत है जितनी मेरे घर वालों की। सरदार, मैं कौन हूं ये जानकर आपकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाए। लेकिन मेरी जिंदगी आपकी अमानत है और इसीलिए मैं अपनी जिंदगी और अपने खानदान की जिंदगी आप पे कुर्बान करने को तैयार हूं। सीधी तरह जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए तुमसे। मैं सल्तनत सलजुक के खानदान मुजफ्फरुद्दीन दाउदअली से हूं, मोहियुद्दीन मसूद शाह का फर्जंद, सुल्तान इज्जतद्दीन कलच अरसलान का पोता हूं, सलजुक का शहजादा हूं मैं। हलीमा, एक बात याद रखना, तुम उस दिन को कोसो की जिस दिन तुम यहां आई थी, तुम्हें कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। तुमने अजीरन कर दी है हमारी जिंदगी। मैं तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए अजाब बन जाऊंगी। तुम्हें मैं अपने हाथों से जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। मजबूर ना करें मुझे, मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहती। तुम्हारी वजह से हमारे काफले पर हमला हुआ है, हमारे जवान शहीद हो गए और कारा तो अगर मेरे शौहर को अपने साथ यरगमाल बना के ले गया। मैं कसम खा के कहती हूँ कि अगर मेरे शौहर को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी जिंदगी को मैं तुम्हारे लिए अजाब बना दूंगी। बस करें, चलना चाहिए हमें। बीच में मत आओ तुम गोपचे, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से जब तक इन लोगों से जान ना छूट जाए। सलजान, क्या हरकत है ये? लेके जाओ इसे।
इसके रवैये पर तुमसे माजरत चाहती हूं मैं। तुम यहां मेहमान हो हमारी। अच्छा होगा कि अभी अपने खेमे से बिल्कुल ना निकलना। हालात बहुत संगीन हैं अभी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैंने सब सुन लिया है। बहुत बुरा हो रहा है। अब क्या होगा अफसिन पाशा? अगर उसके शौहर को कुछ हो गया तो वो हमें मारने की धमकी देकर गई है। परेशान ना हो, कोई हल निकल आएगा। लगता है सुलेमान शाह खसारा छुपा रहे हैं सबसे। अगर ये खबर फैल गई तो कबीले में अफरातफरी फैल जाएगी। खुदा ना करे ऐसा हो। इस तरह सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। कारा तोयगर की चाल कामयाब हो गई। गुंडोगदू को वो वापस शहजादे के बदले में देगा। बाहर बहुत खतरा है। आप दोनों अंदर रहिएगा, मैं कोई हल निकालता हूं। मैं थक चुका हूं भाग भाग कर। अब सकत नहीं है मुझ में। हमारी सल्तनत के अंदर ही दुश्मन के जासूस मौजूद थे और इसी वजह से पादरियों ने, मंगोलों ने और सलेबियों ने इत्तेहाद करके हमारी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया और इसी वजह से मुझे सब कुछ छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अपने वतन को खैरबाद कहना पड़ा। सरदार, यकीन करें मैं तो अपनी हाकमियत भी भूल चुका हूं। वक्त आ गया है कि हालात के हवाले कर दूं मैं अपनी जिंदगी। कारा तोयगर को आप जानते हैं बाबा। अगर हम उसकी ये शर्त मान भी लेते हैं तो भी वो नुकसान पहुंचाएगा। शहजादे को वापस कर भी दें तो इस बात की क्या जमानत है कि भाई को छोड़ देगा वो। दुरुस्त कहा तुमने बेटा। सबसे पहले गुंडोगदू को बचाने की कोई तदबीर करनी होगी हमें। ठीक कहा आपने बाबा, लेकिन उसकी शर्त नहीं मानेंगे हम। अगर उस पर हमला किया हमने तो वो गुंडोगदू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें लड़ाई की बजाय मसलहत से काम लेना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। उसे अपने कैदी हर सूरत में चाहिए होंगे बाबा। हम ये कर सकते हैं कि उससे बात करें पहले। बात अगर कैदियों की है तो हमारे पास ज्यादा कैदी हैं। गुंडोगदू को क्यों छोड़ेगा वो? उसे छोड़ना पड़ेगा बाबा। आपको क्या लगता है कि हलब में मुझ पर हमला किसने करवाया, और वो औरत जो हमारे कबीले में वबा फैलाने आई उसे किसने भेजा? कुछ तो ऐसा है जो कारा तोयगर को इस शहजादे की जरूरत है। पादरी चाहते हैं कि कारा तोयगर को आला मुकाम दिलवाया जाए सुल्तान के महल में, ताकि उनके अजायम की तकमील हो सके। कारा तोयगर को हर कीमत पर शहजादा चाहिए बाबा। ये उसकी कमजोरी है और इसी का फायदा उठाएंगे हम। अगर हम कामयाब ना हो सके फिर तो एक ही रास्ता बचता है बाबा। तलवारों के साए में शहादत की मौत हमारा नसीब होगा। तुम यहां मुझे धमकाने आए हो सुलेमान शाह? अगर तुमने मेरे बेटे को मेरे हवाले ना किया तो शहजादे को भी भूल जाओ। तैयार हो जाओ। वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था सुलेमान शाह।